एसटीएफ की कुमाऊं टीम ने पुलभट्टा थाना इलाके में अफीम तस्करी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने जनपद उधम सिंह नगर क्षेत्र में 5.5 किलो अफीम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलका सिंह और लवजीत सिंह को यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से 5.5 किलोग्राम अफीम और 3 क्विंटल डोटे के साथ गिरफ्तार किया गया है। शातिर तस्कर झारखंड की राजधानी रांची से एक कंटेनर के जरिए मादक पदार्थ उत्तराखंड ले जा रहे थे और उसकी खपत रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर के क्षेत्रों में की जानी थी। चुनाव के समय में तस्करी काफी ज्यादा देखी जाती है। इसे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि माल को लेकर जा रहे थे। इनसे पूछताछ में अन्य तथ्य भी सामने आए हैं, कुछ लोगों के नाम आए हैं जहाँ पर ये सप्लाईज की जानी थी और जिनसे ये लेकर आ रहे थे, तो विवेचना के दौरान इन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या किस तरीके से इन्होंने उसमें उसे रखने की जगह बनाई थी या पुलिस से बचने के लिए क्या आइडिया था? देखिए, ये लोग क्योंकि फैक्ट्रीज में सामान लेकर आते थे और उनका सप्लाईज लेकर जाते थे, तो जो ये ट्रक था इसमें रद्दी भरी हुई थी जिसको कि इनको किसी फैक्ट्री में सप्लाई करने ले जाना था। उसी रद्दी के बीच में इन्होंने ड्रग्स की खेप को भी छिपा कर रखा हुआ था। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा जब इनको रोककर इसकी तलाशी ली गई तो उस दौरान ये बड़ी मात्रा में इसकी ड्रग्स की बरामद